नमस्कार। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता गांव गांव घूम रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर भी गांव गांव घूम रहे हैं। दोनों अलग अलग दौरे पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, छोटी छोटी सभाएं संबोधित करते हैं और अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं। हम पहुंचे भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के मानसा दौरे पर। मानसा दौरे के ग्राम बरडिया पिपलिया राव जी में उन्होंने महती सभा को संबोधित किया। ग्राम मालखेड़ा पहुंचे जहां उन्होंने घर घर जनसंपर्क किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके लिए भोजन का भी आयोजन किया। हर जगह कार्यकर्ता टेंट लगा के रखता है, माइक की व्यवस्था रहती है और 150 लोग वहाँ गाँव के एकत्रित होते हैं जिनसे सुधीर गुप्ता संवाद करते हैं। राम मंदिर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और साथ ही कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हैं। दौरे में उनके साथ मौजूदा विधायक उस क्षेत्र के माधव मारू थे, मदासा विधानसभा प्रभारी हेमंत हरित थे, साथ ही वहां के जो स्थानीय नेता है वे थे। और इस दौरान सबसे बड़ी खासियत की बात यह रहती है कि सुधीर गुप्ता के साथ उस गांव का हिसाब किताब साथ चलता है। उस गांव में कितने वोटर हैं, भाजपा को कितने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को कितने वोट मिलने चाहिए, यह आकलन वही हो जाता है। और साथ ही वे उस गांव का एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। आयुष्मान कार्ड कितने बने, प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी बनी है, कितने को लाभ मिला है, कौन सी योजना का लाभ कौन किसान ले रहा है या कौन मतदाता ले रहा है, इसकी जानकारी भी वहीं होती है। इतना सटीक एनालिसिस के साथ वे चलते हैं और खासतौर पे अफीम वाले बेल्ट में तो एक अलग ही छवि दिखती है। कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा उस समय पट्टा कट गया था जो आपके कारण मिल गया है। हमारा उस समय पट्टा गाढ़ता के कारण, मिलावट के कारण काट दिया था, अब हमें पट्टा मिल गया है तो इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। हम लोग सुधीर गुप्ता के साथ मानसा के कई गांवों में घूमे, एक गांव में उनके साथ खाना भी खाया और फिर उनसे इंदौर के धमाके को लेकर चर्चा की। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने भाजपा के समर्थन में फॉर्म उठा लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसको लेकर भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई रहना ही नहीं चाहता, कांग्रेस ने राम का विरोध करके इस देश का विरोध किया है, राम जन जन की आस्था का प्रतीक है और कांग्रेस ने धोरी मानसिकता अपनाई हुई है। विरासत टैक्स का मुद्दा वे हर जगह उठा रहे हैं, कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो आपके चार मकानों में से दो सरकार छीन लेगी और ज्यादा बच्चे वालों को दे देगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में सटीक बैठ रहे हैं और कड़े प्रहार कर रहे हैं और सुधीर गुप्ता इन मुद्दों को बहुत ही सरल तरीके से उठाते हैं और जन जन से बात करते हुए समझाते हैं। ऐसे में जहां कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है और इन मुद्दों के आ जाने के बाद हालत और खराब हो जाती है। देखिए सुधीर गुप्ता ने क्या कहा इन तमाम मुद्दों पर। और की हम नमस्कार निमेश, हम पहुंचे ग्राम बरडिया जागीर, यहाँ पर एक महती सभा को भाजपा उम्मीदवार श्री सुधीर गुप्ता ने संबोधित किया। अब वे कार्यकर्ताओं के बीच भोजन कर रहे हैं और आइए उनसे चर्चा करते हैं। हैदराबाद तो कमाल हो गया, इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार है, उन्होंने नामांकन वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ले ली, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एक बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रतिदिन अपना चेहरा बताती जा रही है, अब मुझे एक बात बताओ कि इंदौर के सांसद प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे उनके दिल में एक बात घर कर गई कि क्या ये विरासत टैक्स वसूल करेगी कांग्रेस? बड़ी मुश्किल से लोग अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, गरीब लोग रहते हैं, 2-3 बीघा, 4 बीघा ज़मीन रहती है। अब कांग्रेस कह रही कि हम उनसे मृत्यु के बाद विरासत टैक्स लेंगे, यानी 4 बीघा ज़मीन वालों की 2 बीघा ज़मीन कांग्रेस वसूल लेगी क्या? एक बात, कांग्रेस ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, अर्थात जिन आतंकवादियों को, जिन पत्थरबाजों को आज देश में
संपूर्ण रूप से समाप्त करने की मुहिम पर चले, क्या वापस बमबार्डिंग देश में चालू होगी क्या? मनमोहन सिंह कहते हैं कि मुस्लिमों का पहला हक है, तो क्या गरीबों का हक समाप्त करके आप विदेश से आए रोहिंग्यास को पहला हक देने के लिए आगे बढ़ोगे क्या? और इसीलिए घबराहट थी, तो कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता था। सिंधिया जी छोड़ गए, हरदीप डंग साहब छोड़ गए, उमराव गुजर जी छोड़ गए, और अभी तो कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने कहा कि जनता से वोट ले, उसके पहले ही अपन सच्चाई को स्वीकार करो और इस कांग्रेस को तिलांजलि दो। जी जी, आप अभी मनासा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ मनासा बीजेपी का घट रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या स्थिति रहेगी? नहीं देखिए, तो लोगों के दिलों में प्यार है, विकास हुआ है, विकास दिखता भी है, और विकास को मनुष्य और मानवता के हिसाब से किया गया है, और इसीलिए लेटरिन शौचालय बनाने से लेकर राशन पहुंचाने तक पक्के मकान बनाने के क्रम को लगातार जारी रखते हुए लोगों के घरों पर नल से जल पहुंचाने तक ये मिशन स्तर पर काम है। 24 घंटे का लाइट है तो 1250 बहनों को मिलते हैं, 2000 रुपये किसान भाइयों को मिलते हैं।